नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अमित पंघाल आपके पंघाल फिटनेस पे। यकीनन सब अच्छे तगड़े हेल्दी होंगे और भगवान करे ऐसे ही खुश रहें, हेल्दी रहें और मेरे हिस्से की कुछ खुशियां आपको लग जाएं। तो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आपको पता है, हाल ही में पंघाल फिटनेस पे सीरीज चल रही है, मसल बिल्डिंग की सीरीज चल रही है। तो हमारा आज का टॉपिक है, लेग्स का वर्कआउट करना जरूरी क्यों है। ये आपका थंबनेल था, तो आज बात करते हैं। लेग्स का वर्कआउट कंप्लीट लेग्स वर्कआउट करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए कि लेग्स का वर्कआउट जरूरी क्यों है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से, मतलब 100 में से 60% हिंदुस्तान में, 60 तो होंगे, आपके जिम में भी होंगे कुछ, तो नहीं करते लेग्स का वर्कआउट। और करते हैं तो एक दो बस हो गए तेरे भाई की लेग्स, उसके बारे में बात करते हैं, फिर वर्कआउट करते हैं। वीडियो लंबी हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक लेग्स। लेग्स जरूरी क्यों है, लेग्स का वर्कआउट बहुत कम करते हैं। पहली बात, पूरी बॉडी आपकी है ऊपर से नीचे तक। एक सोचने वाली बात है, धड़, जो धड़ होता है ये हिस्सा, इतने में आधी बॉडी और आधी में लेग्स हैं, तो कुछ तो कहानी होगी ना। किसी भी चीज की, बाइक, गाड़ी, किसी भी, अगर उसका टायर खराब होंगे, टायर पतले होंगे, तो ना तो उसमें ग्रिप होगी, ना उसमें वो फील आएगा। तो जब तक आपकी लेग्स मजबूत नहीं होंगी, अच्छी नहीं होंगी, आप जिंदगी का फील नहीं ले पाएंगे। आप किसी भी फिटनेस मॉडल को, फिटनेस मॉडल मतलब जो अच्छे तगड़े हैं, वो फिटनेस मॉडल नहीं होते। भाई तेरे भाई के एब्स हैं, अरे तू तो बीमार है भाई, एब्स हैं, आई एम नेचुरल, मैं तो भाई नेचुरल हूँ, 50 किलो का तो कोई बात नहीं, लेकिन नेचुरल हूँ। तो ठीक है, आप थोड़ा वेट गेन करें, क्योंकि लड़का तो यार तगड़ा ही अच्छा लगता है। आप कभी भी कहीं भी जाएंगे, मार्केट में किसी को किसी के साथ देखेंगे, लड़का मतलब मर्द तो तगड़े अच्छे लगते हैं। देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है, हमारे यहाँ तो ऐसे होता भाई, लड़के तो तगड़े अच्छे लगते हैं। तो प्लीज़ लेग्स का वर्कआउट ज़रूर ट्रेन करें, और जो लेग्स का वर्कआउट करेंगे तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। पहली बात, पर्सनैलिटी, तो क्योंकि आपने देखा होगा ऊपर से तो ऐसे हैं, नीचे से टांगे ऐसी रहती हैं, वो सुखड़ी हड्डी, उन्हें मज़ा नहीं आता यार, पट होनी चाहिए पूरी, गबरू वो हो गया बंदा टक टक करता, तो मतलब समझ रहे ना। और दूसरी बात, जो आपकी सबसे मेन चीज़ है, मेल हार्मोन्स, जो आपके हार्मोन्स हैं मेल के, टेस्टोस्टेरोन, वो अप होते हैं आपकी हैवी स्क्वाट से। ये सबसे बड़ी सच है। और एक मेन बात बता रहा हूँ आज मैं आप सबको, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि भैया गायनो हो गया, गायनो की प्रॉब्लम है। ये मैंने देखा है और महसूस किया है, जो बंदे अच्छी स्क्वाट्स करते हैं उनको गायनों की बहुत कम प्रॉब्लम होती है। हो जाती होगी तो पता नहीं, लेकिन बहुत कम होती है, ये आप महसूस कर सकते हैं। और जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, वो बैठ के इस वीडियो को सोच सकते हैं कि ये क्या बात हो रही है। जो अच्छी स्क्वाट्स करते हैं, लेग्स का वर्कआउट हमेशा करते हैं, उनको गायनों की प्रॉब्लम बहुत ही कम होती है, या नहीं भी होती लेकिन बहुत कम, क्योंकि लेग्स बहुत ज़रूरी हैं। सबसे ज़्यादा मतलब जो पावरफुल वर्कआउट होता है वो लेग्स का ही होता है। बाइसेप्स, मज़ा आ गया आज बाइसेप्स, आज तो बाइसेप्स है, ठीक है, मतलब जिम में लगता ही जब पटों पे खेल होता है, पट मतलब आपकी लेग्स, क्योंकि पूरा शरीर का वजन ही लेग्स संभालती हैं। तो प्लीज़ लेग्स का वर्कआउट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत हेल्दी जभी दिखेंगे आप जब आपकी लेग्स अच्छी होंगी। जींस भी जभी अच्छी लगेंगी, महंगी सस्ती, जब पटे अच्छी होंगी। जब किसी भी फिटनेस मॉडल, किसी भी बॉडी बिल्डर, अच्छे जो आपके फिटनेस आइडल्स हैं, किसी का कोई होगा, किसी का कोई, सबके अलग अलग है, तो प्लीज़ उन्हें भी देखना, वो लेग्स का वर्कआउट ज़रूर करते होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ी कर दी आज मैंने, तो इसके लिए सॉरी थोड़ी, और आज चटाई ज़्यादा कर दी थोड़ी। तो चलिए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट हो गया, अब स्टार्ट करते हैं आपका वर्कआउट लेग्स के लिए। पहले हम करेंगे फ्री स्क्वाट्स, एक सेट करेंगे फ्री स्क्वाट्स का, कि वार्म अप अच्छी तरह हो जाए, आपके ब्लड सर्कुलेट हो जाए बॉडी में। तो एक फ्री स्क्वाट्स करेंगे, ओनली वन सेट, 15 रेपिटेशन, सिर्फ एक सेट। पोजीशन होगी जब आप फ्री स्क्वाट्स करेंगे, ना पैर ज्यादा भीड़े ना ज्यादा चौड़े, जितनी आपकी ब्रेथ है, जितना आपका शोल्डर है, उसके हिसाब से पैर होंगे आपके नीचे, थोड़े से आउटर, अपने टो हल्के से बाहर रखें। 1, 2, 3, 4,
फ्री। और एक मेन बात, जब भी आप फ्री स्क्वाट्स करेंगे तो जो आपके नी है वो आपके टो से आगे नहीं जाएगा, आपका नी आपके टो से आगे नहीं जाएगा, उसके बराबर तक रहना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारा वार्म अप में ही था फ्री स्क्वाट्स, एक सेट 15 रैप हो चुके हैं। अब फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे लेग एक्सटेंशन, 5 sets 15 रेपिटेशन, वेट पहले में थोड़ा लाइट, फिर हैवी, फिर हैवी। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेट में हैवी होगा, क्योंकि जो सीरीज है वो मसल बिल्डिंग है, हमें साइज भी गेन करना है और उसी में रिप्ड होना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 5 sets करेंगे, 15 रेपिटेशन, लाइट पहले, वेट, फिर हैवी, फिर हैवी। तीसरा, चौथा और पांचवा फुल हैवी, 15 रेपिटेशन, और मसल को स्क्वीज करना जैसे बताएंगे। चलिए स्टार्ट करें फर्स्ट एक्सरसाइज लेग एक्सटेंशन, 5 sets 15 रेपिटेशन फर्स्ट सेट है, और ऊपर मसल को स्क्वीज, 1 2 एक्सरसाइज कर रहे हैं आपके वर्कआउट की। फर्स्ट एक्सरसाइज हो चुकी है लेग एक्सटेंशन, 5 sets हो चुके हैं। ये ऑल्टरनेट में नहीं करना आपको, क्योंकि हमें साइज भी गेन करना है लेग्स का। अब सेकंड एक्सरसाइज करेंगे स्क्वाट्स, वेटेड स्क्वाट्स, 5 sets 12 रेपिटेशन आपकी स्क्वाट्स के करेंगे, 5 sets 12 रेपिटेशन। पहला थोड़ा हैवी, फिर हैवी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हैवी, 12 रेपिटेशन निकालने हैं आपको। तो स्क्वाट्स जरूर करें, बेनिफिट बता दिया आपको। चलिए, ग्रिप एकदम टाइट पकड़े जब भी आप स्क्वाट्स करें, और माइंड से स्ट्रांग रहे, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, ये ना करें मुझसे होगा और मैं करूंगा। बस दो चीजें याद रखें, मैं करूंगा और मुझसे होगा। और एक अपने फ्रेंड को हमेशा साथ रखें जब भी स्क्वाट्स करें। पैरों की पोजीशन वही जो मुझे पहले बताई थी आपकी लेग्स की, जो फ्री स्क्वाट्स में थी। थर्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं आपके लेग्स वर्कआउट की, लेग प्रेस, 5 sets 12 रेपिटेशन आपकी लेग प्रेस के। कर रहे हैं आपकी लेग प्रेस, आपकी मशीन कईयों के बोर्ड छोटा होता है, कईयों का बोर्ड बड़ा होता है, तो अपने हिसाब से अपने पैर एडजस्ट कर ले अपने लेग्स, किसी का इतना होगा, किसी का छोटा होगा, किसी के बड़े होंगे बोर्ड, तो जितने आपके शोल्डर हैं उसके हिसाब से अपने पैर एडजस्ट कर लें, और थोड़े से अपने टो आउट रखें। और इसमें जो मेन प्रॉब्लम है, सबसे जो ज्यादा बताई जाती है, ऐसे करते हैं, स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं करना आपको, ये आउटसाइड करने हैं, आपके नीज इधर, ये इधर, ऐसे स्ट्रेट नहीं करना, इससे आगे तो आ ही नहीं पाएगा। यहां पर आपका स्टमक, यहां पर पेट है, इससे आगे कैसे आएगा, तो आउटर रखें ऐसे। लेग प्रेस हैवी रखें, इतना भी हैवी ना रखें कि आपको चोट लग जाए, अपने हिसाब से एडजस्ट करें वेट को, और जर्क ना करें कहीं को, देखो आपको भाई पूरा हैवी, 1 2 3 4 तेरे भाई ने 400 किलो वेट मार दिया भाई, सिर्फ टाइम बर्बाद हो गया। ये कौन सा वर्कआउट है, ये कोई वर्कआउट नहीं है, वर्कआउट करना है तो पूरा लाओ। और अपनी बैक टच रखनी है, अपने ग्लूट्स टच रखें, कईयों को देखा ऐसे ग्लूट्स ही उठा लेते हैं, लोअर बैक इंजर्ड हो जाएगी, तो सेफ करें जो भी एक्सरसाइज करें। फोर्थ एक्सरसाइज कर रहे हैं आपके लेग्स वर्कआउट की, लेग कर्ल आपकी हैमस्ट्रिंग मसल के लिए, हैमस्ट्रिंग जरूर वर्कआउट करें, हैमस्ट्रिंग का अपनी लेग कर्ल जरूर करें, क्योंकि आपकी लोअर बैक कमजोर रह जाती है, उसका रीजन ये है आप हैमस्ट्रिंग का वर्कआउट नहीं करते। 5 sets करने हैं, 15 रेपिटेशन आपकी लेग कर्ल के। तो चलिए, मसल को फील करें, ऊपर स्क्वीज करें, Thank you.
लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं आपके लेग्स वर्कआउट की फिफ्थ एक्सरसाइज, पांचवी एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज है काफ मसल के लिए। काफ को जरूर ट्रेन करें क्योंकि आप जब शॉर्ट्स में जाते हैं तो सबसे ज्यादा नजर आपकी काफ पड़ते हैं, अरे यार काफ तो अच्छे हैं इसके, तो काफ को जरूर ट्रेन करें। और फाइव सेट्स करने हैं 20 से 25 रेपिटेशन, 20 से 25 रेपिटेशन करने हैं काफ के। तो स्टार्ट करते हैं 5 सेट्स 20 to 25 रेपिटेशन। और काफ की मशीन नहीं होगी कहीं हो तो सिंपल सा फंडा है मैं दिखा देता हूँ, कोई भी थोड़ी सी ऊंची जगह हो तो वहीं करते हैं हम, तो कोई भी ऊंची जगह आपके जिम में या कोई बोर्ड हो उस पर रखें पैर, सपोर्ट ले लेंगे हल्का सा और स्ट्रेच, वन ऊपर स्क्वीज, टू फुल डाउन ऊपर पूरा स्क्वीज, बीस से पच्चीस रिपीटेशन करने हैं आपको 5 सेट।